भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो अपने अब तक के सबसे चुनौतीपूर्ण अंतरिक्ष मिशन चंद्रयान 2 को सफल बनाने के लिए कोई कमी नहीं छोड़ना चाहता है। इसरो ने अपने पहले चंद्र मिशन में स्पेसक्राफ्ट के साथ पीएसएलवी रॉकेट को चंद्रमा की कक्षा में लैंड किया था, लेकिन इस बार भारी पोलैंड उठाने वाला जीएसएलवी एमके द्वितीय 2390 किलोग्राम वजन वाले अंतरिक्षयान का शुभारंभ करेगा, क्योंकि मॉड्यूल एक ऑर्बिटर, एक रोवर, एक लैंडर को चांद तक ले जाएगा। इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर सिवान के मुताबिक चंद्रयान 2 चुनौतीपूर्ण मिशन है, क्योंकि हम पहली बार एक कक्षा, एक लैंडर और एक रोवर को चंद्रमा पर ले जाएंगे। लॉन्च अप्रैल में होना है, जिसमें कुछ ही समय बचा है। इसे श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा और लॉन्च होने के 1 से 2 महीनों में ये यान चंद्रयान की कक्षा तक पहुंच जाएगा। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी 3,82,000 किलोमीटर दूर है। इसरो के मुताबिक चंद्रमा की कक्षा तक पहुंचने के बाद लैंडर ऑर्बिटर से अलग हो जाएगा और चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव के पास लैंडिंग करेगा। लैंडर के अंदर लगे 6 पहिए वाले रोवर अलग हो जाएंगे और चंद्रमा की सतह पर आगे बढ़ेंगे। रोवर को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये चंद्रमा की सतह पर 14 दिन तक रह पाएगा और 150 से 200 किलोमीटर तक चलने में सक्षम होगा। रोवर फिर 15 मिनट के भीतर चंद्रमा की सतह के आंकड़े और छवियों को पृथ्वी पर भेज देगा। 14 दिनों के बाद रोवर स्पीड मोड में जाएगा। इसरो ने उम्मीद की है कि एक बार फिर रोवर काम करेगा जब चांद पर धूप होगी और उसके सोलर सेल दोबारा रिचार्ज होंगे। जीएसएलवी लॉन्च होने के बाद ये अंतरिक्षयान को 170 किलोमीटर गुना 20,000 किलोमीटर अंडाकार कक्षा में रखेगा। कक्षा से शिल्प को थ्रस्टर फायरिंग द्वारा चंद्र कक्षा की ओर ले जाया जाएगा। उम्मीद की जा रही है कि वो 2 महीने में चंद्र की कक्षा तक पहुंच जाएगा। टीम न्यूज़ नाउ।